ओके सो आज की क्लास में हम आगे चलते हैं और हम आज और भी ज्यादा लिनक्स कमांड्स को देखेंगे और उनकी प्रैक्टिस भी करेंगे। कल हमने काफी सारी कमांड्स को प्रैक्टिस किया था, जैसे कि हमने जो इनिशियल हमने तीन कमांड्स देखी थी, अप टाइम, यू नेम, मैनुअल देखी थी हमने। फिर हमने रूट यूजर यूज करना सीखा था। हमने लिनक्स कमांड लाइन के ऊपर डायरेक्टरीज का जो नेविगेशन सिस्टम है वो सीखा था कि किस तरह से हमने डायरेक्टरीज चेंज करनी है, किस तरह से हम करंट एग्जिस्टिंग जहाँ पर डायरेक्टरी के अंदर हैं उसके अंदर हमने उसका पाथ पता करना है। फिर हमने थोड़ा सा ये देखा था कि फाइल्स कैसे बनाते हैं और यूजिंग वी आई से हमने एक फाइल भी क्रिएट की थी। और फिर हमने कुछ एक कमांड यूज की थी जिसके अंदर हम टेक्स्ट कॉपी कर रहे थे फ्रॉम वन फाइल टू अनदर, और उसके अंदर हम कुछ ट्रांसफॉर्मेशन भी कर रहे थे। मैंने अपर केस में टेक्स्ट को ट्रांसफॉर्म करा था। ठीक है, अच्छा आज हम क्या करेंगे? आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे, और भी मजीद कमांड्स हैं उनको हम स्टडी करेंगे। तो आज हम पहली जो कमांड पढ़ेंगे वो है डिफरेंस की कमांड। ठीक है, अच्छा डिफरेंस की कमांड क्या करेगी? आपने अपने वैसे नॉर्मल डे टू डे जब काम भी कर रहे होते हैं तो उसके अंदर कभी ऐसा होता है ना कि आपने कोई डॉक्यूमेंट बनाया हुआ होता है, और उसमें अगर आप कोलैबोरेशन भी कर रहे हैं जैसे फॉर एग्जांपल, तो हो सकता है कि आपने उसके अंदर जो है डिफरेंसेस देखने हो कि एक फाइल के दो वर्जन अगर बन गए हो, वर्जन वन एंड वर्जन टू, तो उसके अंदर आपको अगर डिफरेंस आइडेंटिफाई करना हो कि डिफरेंस क्या है दोनों फाइल्स के अंदर, तो वो आप कैसे करेंगे? अच्छा तो लिनक्स कमांड लाइन के ऊपर हम ये कर सकते हैं यूजिंग द डिफरेंस कमांड। अच्छा तो बेसिकली क्या होता है कि हमें हमारी जो दो डिफरेंट फाइल्स हैं उनकी टेक्स्ट को एनालाइज करता है लाइन बाय लाइन, और लाइंस के ऊपर वो डिफरेंस जो है वो एनालाइज करता है और वो आपको रिपोर्ट करता है कि कहाँ कहाँ पर फर्क है दो फाइल्स के अंदर। ठीक है, अच्छा और जो नॉर्मली जब हम फाइल रन करते हैं, अच्छा मैं पहले रन करता हूँ फिर मैं उसी साथ साथ एक्सप्लेन करता हूँ ताकि फिर बेहतर समझ आए। तो लेट मी ओपन दिस ट्यूटोरियल काइंड ऑफ थिंग ताकि आपको ये मैं दिखा सकूँ विजुअली। अच्छा तो ये देखें यहाँ पर इन्होंने क्या किया हुआ है कि दो फाइल्स बनाई हैं, फाइल वन जिसके अंदर ये कुछ टेक्स्ट है, दिस इज सम डिफरेंट फ्लेवर्स ऑफ लिनक्स, और फाइल टू जिसके अंदर कुछ एडिशन किया इन्होंने, जैसे आप देख सकते हैं कि फर्स्ट लाइन कुछ ऐड किया है इन्होंने, राइट, और युबुंटू ऐड किया है सेकेंड लाइन में। ठीक है, फिर ये दे सॉर्टेड डिफरेंटली, ठीक है ना, कुछ डिफरेंस चेंजेस की है फ्रॉम फाइल वन टू फाइल टू। तो अगर वैसे तो हम इजीली हम देख सकते हैं कि ये तो स्मॉल फाइल है, लेकिन अब फर्ज करें कि डॉक्यूमेंट फाइल है, बड़ा टेक्स्ट है उसमें, ज्यादा कंटेंट है, तो उसको हम कैसे चेक करेंगे कि उसमें फर्क हो गया? ठीक है, तो इसके लिए हम डिफरेंस की कमांड यूज कर सकते हैं। इसका जो सिंटैक्स है, जो लैंग्वेज का लिखने का तरीका है, वो क्या है? यूजिंग द डिफरेंस कीवर्ड, ये हमारी कमांड है लिनक्स के अंदर, और इसके अंदर दो ऑप्शंस हमने दिए हैं, फाइल वन का एंड फाइल टू का। ठीक है, अच्छा इससे क्या होगा, हम सिर्फ इसी को अगर रन करेंगे तो ये हमें आउटपुट देगा, और आउटपुट में क्या होगा, इट विल लुक लाइक समथिंग लाइक दिस। ये कुछ अजीब सी आउटपुट है, बट नॉट टू वरी, इसको समझने का तरीका मैं बताता हूँ आपको। बेसिकली होता क्या है कि जो आउटपुट होती है वो एक इंस्ट्रक्शन है। अच्छा इंस्ट्रक्शन किस चीज की है? आप स्टार्ट करते हैं फ्रॉम फाइल वन, ठीक है, तो फाइल वन का जो कंटेंट है लाइक दिस, इससे आप स्टार्ट करते हैं, और इसके लिए आपको लिनक्स एक इंस्ट्रक्शन देता है, ये इंस्ट्रक्शन है। इस इंस्ट्रक्शन को अगर आप लाइन बाय लाइन फॉलो करेंगे वन एट ए टाइम, तो इसकी आउटपुट क्या निकलेगी, फाइल टू,
फाइल टू से मतलब जो फाइल टू का कंटेंट है। अच्छा, तो यहाँ पर अगर हम देखें कि ये आउटपुट में क्या हमें बता रहा है, आउटपुट के अंदर ये हमें एक ये लैंग्वेज में अपनी कुछ बता रहा है, 0A1। अच्छा, 0A1 का क्या मतलब है? फिर इसी तरह से यहाँ पर ये लाइन आ गई है, ये हमें समझ आ रही है क्योंकि ये तो ह्यूमन रीडेबल, इसके अंदर आपको समझ आ रहा है कि जो फर्स्ट फाइल के अंदर है नहीं, सेकंड फाइल के अंदर एक लाइन ऐड हुई है, ये उसको उसका जिक्र कर रहा है। अच्छा, तो इन दोनों लाइंस का क्या ताल्लुक है? ठीक है, ये जो इंस्ट्रक्शन है ये इस लाइन के लिए, तो ये इंस्ट्रक्शन क्या है? 0A1। 0 का मतलब जो पहला आपके पास इसमें देखें, आपके पास तीन चीजें हैं जिसको आपने देखना है। पहली चीज क्या है? एक नंबर है, ये नंबर रिप्रेजेंट करता है आपकी फाइल वन की लाइन को। ठीक है, द लाइन नंबर ऑफ फाइल वन। ठीक है, लाइन नंबर ऑफ फाइल वन। अच्छा, अब अगर लाइन वन है ये फाइल वन, तो बिफोर एनीथिंग इवन स्टार्ट, ठीक है, यहां पर हम इससे ऊपर क्या रहे हैं, यहां पर हम क्या कह रहे हैं, एट वन लाइन। तो हमने किया क्या है कि फाइल वन के बिल्कुल स्टार्ट में, डॉक्यूमेंट के शुरुआत में हमने एक लाइन ऐड की है, और ये जो वन है ये रिप्रेजेंट करता है फाइल टू की लाइन नंबर को। ठीक है, तो हमने फाइल वन के शुरुआत में, बिल्कुल स्टार्टिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट में एक लाइन ऐड किया है फ्रॉम लाइन वन। ठीक है, लाइन वन ऑफ द सेकेंड फाइल। तो यही हुआ है ना, कि अगर हम देखें कि फाइल वन से फाइल टू में कैसे जाना है, और हमने इंस्ट्रक्शन जो है वो इसके ऊपर बनानी है, तो सबसे पहला स्टेप हम यही करेंगे ना कि लाइन वन एक क्रिएट करेंगे जो फाइल टू की पहली लाइन का टेक्स्ट होगा, राइट। फिर यूबंटू आ जाएगा लाइन टू के ऊपर, तो ये मैच हो रहा है। अब लाइन थ्री के ऊपर ये जो आर्च लिनक्स है, यहां पर अब चेंज होगा क्योंकि ये फर्क है इससे। ठीक है, इसका ऑर्डर इन्होंने चेंज रिवर्स कर दिया, राइट। यहाँ पे आर्च लिनक्स पहले, डेबियन बाद में, यहाँ पे डेबियन पहले, आर्च लिनक्स बाद में, राइट। तो इंस्ट्रक्शन देखें, इंस्ट्रक्शन में क्या किया इन्होंने, लाइन टू ऑफ द फर्स्ट फाइल, ठीक है, तो लाइन टू ऑफ द फर्स्ट फाइल इसको डिलीट कर दिया, डी फॉर डिलीट। ठीक है, तो लाइन टू को डिलीट कर दिया और इसको रिप्लेस कर दिया विद द सेकेंड लाइन फ्रॉम फाइल टू। तो अब हमारे पास आ गया, इस तरह से फॉर्मेट आ गया, ये दो टेक्स्ट आ रहे हैं हमारे पास। अच्छा, फिर लाइन फोर, फाइल वन के लाइन फोर पे आए, 1 2 3 4, लाइन फोर पे सेंट ओएस है। अच्छा, यहां पर क्या किया हमने, यहाँ पर हमने 4.5 इसमें चेंज किया है। चेंज क्या हुआ है यहाँ पर देखें आप, सेंट ओ एस को हमने इसकी स्पेलिंग का फर्क किया है, यहाँ पर सेंट ओ एस के ओ एस कैपिटल है, यहाँ पर लोअर केस है। तो वी जस्ट अपडेटेड दिस टेक्स्ट फ्रॉम फाइल टू। ठीक है, तो इस तरह से हमने एक इंस्ट्रक्शन फाइल बनाते हैं, ये हम बनाते नहीं है, ये आउटपुट में आती है। अच्छा, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है, होपफुली कुछ समझ आया है इसमें से। मैं इसको अपने सिस्टम पे भी रन करके दिखाता हूँ।
तो लेट्स स्विच टू आवर फोल्डर डेस्कटॉप पे नहीं सॉरी डॉक्यूमेंट्स बैच 8 एंड इन बैच 8 हाँ अच्छा तो यहाँ पर वी हैव एक सेकंड में पॉज दे रहा हूँ ये चैट पे क्वेश्चन मार्क्स आ रहे हैं बहुत सारे जी क्या क्या क्वेश्चन है कोई I don't know, okay. कोई क्वेश्चन भी नहीं है सिर्फ क्वेश्चन मार्क से क्या मैं क्या करूंगा अच्छा मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ आई डोंट नो कि क्वेश्चन मार्क का मतलब क्या था खैर लेट्स कंटिन्यू विद द कमांड अच्छा हम लोग बात कर रहे थे डिफ कमांड की तो लेट्स क्रिएट दैट एग्जांपल अच्छा हमारे पास यहाँ पे दो फाइल्स हैं फाइल वन एंड फाइल टू इसको हम इग्नोर करते हैं लेट्स क्रिएट अ न्यू फाइल तो वी कैन क्रिएट फाइल 3.txt इसके अंदर हम कुछ टेक्स्ट ऐड कर देते हैं तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर हमारी क्लास के अंदर जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनके कुछ नेम्स ऐड कर लेता हूँ तो लेट्स सी हु डू वी हैव हियर We have a Mehmet Faraz. Different logon ke naam add karta hun. We have a Asya Shah. We have a Haris Akin. Jis tarah se logon ne naam add kiya hai, usi tarah se main नाम ऐड कर रहा हूँ आई सी समवन जिसका नाम आईफोन है एंड देन आई विल ऐड समबडी यू हैव अ वकास अहमद लाइक दिस ठीक है तो लेट्स कीप इट लाइक दिस इस तरह से रखते हैं अब हमारे पास एक कुछ टेक्स्ट आ गया है ऑफ नेम्स अच्छा तो आई विल एग्जिट फ्रॉम हिज सेव हो गया ये ठीक है तो हमारे पास ये फाइल 3 का कंटेंट आ गया ठीक है अच्छा फाइल 3 के कंटेंट आ गया दिस इज लेट्स कंसीडर दिस वर्जन 1 अब फर्ज करें कि मैं इसमें जाता हूं और मैं इसकी इसको कॉपी करता हूं लेट मी डू लाइक दिस कल हमने डीडी कमांड यूज की थी इसमें मैं आई यूज इनपुट फाइल 3.txt एंड आउटपुट फाइल फाइल 4.txt मैं आउटपुट करेंगे तो ये बन जाएगी नई फाइल और इसको कन्वर्ट करते हैं इसको अपर केस में सबको कन्वर्ट कर देते हैं ठीक है तो नाउ वी शुड हैव अनदर न्यू फाइल कॉल्ड फाइल 4.txt वो क्रिएट हो जानी चाहिए थी ठीक है और क्योंकि हमने सबको कन्वर्ट कर लिया अपर केस में तो नाउ वी हैव ऑल ऑफ दीज अपर केस नेम्स ठीक है अच्छा अब मैं एक और भी चीज करना चाह रहा हूं कि एक और न्यू फाइल क्रिएट करूं जिसके अंदर सिर्फ थोड़ा सा माइनर से चेंज कर दूं तो लेट मी क्रिएट अनदर फाइल vi फाइल 5.txt और इसके अंदर अब मैं क्या करूं कि ये जो कैप्स में थे सिर्फ इनको मैं
क्या नाम था, हारिस अहमद था ना, इनको मैं नॉर्मल कर देता हूँ। ठीक है, नॉर्मल कैपिटलाइजेशन कर दी। इसको अब मैं एस्केप करता हूँ, एस्केप फिर कोलन एक्स से मैं इसको सेव कर लूँगा और एंटर। तो नाउ वी हैव अनदर फाइल, सॉरी कैट करके मैं इसका टेक्स्ट रिव्यू कर लेता हूँ। ठीक है, अच्छा तो अब मेरे पास तीन फाइल्स आ गई हैं। आई हैव फाइल थ्री, आई हैव फाइल फोर एंड फाइल फाइव। थोड़ा थोड़ा सा फर्क है तीनों में। अब मुझे इनके डिफरेंसेस निकालने हैं। ठीक है, तो फर्स्ट अगर मैं फाइल थ्री एंड फाइल फोर को कंपेयर करूंगा अगर, तो आई कैन डू डिफरेंस, फिर फाइल का नाम फाइल थ्री एंड जो सेकंड फाइल जो टारगेट फाइल है उसका नाम फाइल फोर। अच्छा, अब मैं इसको रन करूंगा तो मेरे पास ये इंस्ट्रक्शन फाइल आएगी। अच्छा, इस इंस्ट्रक्शन फाइल में क्या मैं क्या है, ये हमें बता रहा है कि किस तरह से फाइल वन को एडिट करके फाइल टू क्रिएट करनी। अच्छा, ये है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स वाला सिस्टम। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया था कि पहले ये आपको फाइल वन के लाइंस बताता है, फिर आपको बताता है करना क्या है, और फिर फाइल टू के फाइल टू का बताता है कि इससे क्रिएट करना है, रिप्लेस करना है, क्या करना है। यहाँ पर एक और तरीके कार हो सकता है हमारे पास, जिससे डिफरेंस कमांड को समझना ह्यूमंस के लिए ज्यादा बेहतर है। ठीक है, क्योंकि इसको देख के ना हमारे लिए कोई इतना ज्यादा फायदा नहीं है। शायद सिस्टम के लिए ये कंप्यूटर के लिए अच्छा है इसको इस तरह से देखना, लेकिन इंसान के लिए ना दिस इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स और इस एकदम से समझ में भी नहीं आता कि वो क्या रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम एक और कमांड इसी को चलाएं, अगर इसके अंदर हम एक फ्लैग रन करते हैं माइनस वाई। अब हम अपनी फाइल्स बताएं, फाइल 3.txt एंड फाइल 4.txt। इसको थोड़ा सा जूम आउट करूंगा ताकि ये क्लियर हो। सॉरी मैं सो रहा था। अच्छा, अब देखें, नाउ इट्स बेटर, अब डिफरेंस समझ आ रहा है। ठीक है, डिफरेंस कैसे समझ आ रहा है, ये फाइल वन है राइट लेफ्ट साइड पे, फाइल थ्री सॉरी, और राइट साइड पे फाइल फोर है। तो क्या होगा कि दोनों में डिफरेंस समझ आ रहा है। अगर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अगर कोई चेंज है, फाइल थ्री में जो कंटेंट है अगर उसमें कोई चेंज है, तो हमें एक ये पाइप कैरेक्टर नजर आएगा और जो अपडेटेड टेक्स्ट है वो यहाँ नजर आएगा, ये फाइल फोर के अंदर जो स्टेट है वो है। ठीक है, तो हमने जो पहली दो लाइंस थी उनके कंटेंट को ऑल कैप्स में अपर केस कन्वर्ट कर दिया था, तो इसलिए ये शो करा रहा है कि यहाँ पे कोई डिफरेंस है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर फिर क्या हुआ कि ये ऑलरेडी अपर केस में था नियम, तो कोई चेंज नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर कोई इंडिकेशन नहीं है कि देयर इज एनीथिंग डिफरेंट। ठीक है, फिर आईफोन के लिए अगेन अपर केस हो गया वो, एंड देन वकास अहमद का जो नाम है ये ऑलरेडी अपर केस में था, तो कोई चेंज नहीं है। तो इस तरह से हमें नजर आ रहा है कि ओके, तीन लाइंस में एक्चुअली चेंज किया है, लाइन वन टू एंड थ्री। तो अगर हम ऊपर देखें तो हम देख सकते हैं कि लाइन वन एंड टू में चेंजेस हैं और फिर लाइन फोर में चेंज है, जिसके अंदर ये वाला आईफोन के अंदर वन टू एंड फोर, बाकी लाइन थ्री एंड लाइन फाइव के अंदर कोई चेंज नहीं था, तो हमारे इंस्ट्रक्शन फाइल के अंदर उसके ऊपर कोई बात ही नहीं होगी। अच्छा, तो ये तो हमने कंपेयर किया था फाइल थ्री एंड फोर को, इसी तरह से हम फिर से कंपेयर कर रहे हैं माइनस वाई फाइल थ्री एंड फाइल फाइव। अब देखें, अब मैंने रिवर्स किया,
अब मैंने क्या किया कि जो नेम्स हैं उनको ऑल अपर केस में नहीं किया, अब मैंने उनको नॉर्मल जो स्टैंडर्ड नेमिंग कन्वेंशन होती है कि पहला लेटर कैपिटलाइज होता है नाम का, उसमें कन्वर्ट किया। तो यहाँ पर अब देखें कि ऑलरेडी पहले के जो दो नाम थे ये तो पहले से उसी फॉर्मेट में थे, तो देर इज नो चेंज, ठीक है। तो ये अब यहाँ पर 5 कैरेक्टर नहीं है। हारिस अकील का जो है मैंने नाम चेंज किया था, सॉरी हारिस, मैंने हारिस अहमद कर दिया गलती से, बट पॉइंट ये है कि 5 कैरेक्टर आपको नजर आ रहा है क्योंकि देर इज अ चेंज इन द टेक्स्ट, ठीक है। अच्छा, फिर आईफोन में कोई चेंज नहीं है और वकास अहमद के नाम में भी चेंज है क्योंकि इसको इसकी केसिंग चेंज की है, तो यहाँ पर अगेन 5 कैरेक्टर शो कर रहा है कि देर इज समथिंग डिफरेंट, सही है। तो नाउ यू कैन सी कि इस तरह से हम एक फाइल को दूसरी फाइल से कंपेयर कर सकते हैं। तो दिस इज द डिफरेंस कमांड। अच्छा, अब फर्स्ट करें कि हमारे पास एक डॉक्यूमेंट है, कुछ टेक्स्ट फॉर्मेट में टेक्स्ट फाइल है, उसके अंदर कुछ कंटेंट है। हम लोग यूजुअली अगर कोई पेपर लिख रहे होते हैं या कुछ टेक्स्ट लिख रहे होते हैं तो उसके अंदर वर्ड काउंट्स भी चेक करते हैं, राइट। कंटेंट का वर्ड काउंट भी चेक करते हैं कभी, वो इम्पोर्टेंट होता है कि एक डॉक्यूमेंट में वर्ड्स कितने हैं। तो इसके लिए हम वर्ड काउंट की कमांड यूज करते हैं, डब्ल्यू सी जो उसकी कमांड है सिंटैक्स लिनक्स में, दैट्स व्हाट इट इज। इसमें होता क्या है कि वर्ड काउंट की कमांड की जो आउटपुट आती है वो हमें तीन चीज़ें बताती है हर फाइल के बारे में, उसमें लाइंस कितनी है, उसमें वर्ड्स कितने हैं और उस जो कंटेंट है उसके अंदर बाइट साइज कितनी है उसका फाइल का, ठीक है। तो लेट मी डू एन एग्जांपल, यहाँ पर हम so we can do on file 1, a file 1 पे आप देखें कि हमारे पास ये तीन आउटपुट्स आए हैं, फोर्थ तो फाइल 1 है, ठीक है। तो मेन जो है वो तीन चीजें हैं, पहला नंबर क्या है कि कितनी लाइंस हैं हमारे डॉक्यूमेंट में, तो देयर इज ओनली वन लाइन हियर, ठीक है। दूसरा नंबर क्या है कि कितने वर्ड्स हैं, तो ही हैव वन एंड टू वर्ड्स, ठीक है। जितनी बेसिकली वर्ड को कैसे कंसिडर करता है ये यूजिंग स्पेस, जहां पर कुछ कैरेक्टर्स होंगे फिर एक स्पेस आ जाएगा, इट कंसिडर्स अ वर्ड, ठीक है। तो ये एक वर्ड कंसिडर किया और ये दूसरा वर्ड कंसिडर किया, ठीक है। तो अगर मैं इसको अपडेट कर दूं और फिर से अगेन वर्ड काउंट रन करूं, तो नाउ आई हैव मोर वर्ड्स, कैसे, क्योंकि अब 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, क्योंकि ये स्पेसेस की वजह से अब मेरे पास 6 वर्ड्स हो गए। एंड लास्टली ये बाइट साइज है, ये आपको बताता है कि ये स्टोरेज कितनी ले रहा है, तो दिस इज अ 30 बाइट्स ऑफ स्पेस। तो इस तरह से हम वर्ड काउंट्स रन कर सकते हैं किसी भी फाइल के ऊपर, अगर हमें पता करना है कि कितनी लाइंस हैं उसमें फाइल में, कितने वर्ड्स हैं और कितना स्पेस यूज करता है वो फाइल बाइट्स के अंदर, ठीक है। अच्छा जी, मैं एकदम से ज्यादा बोरिंग नहीं करना चाह रहा क्लास को, तो क्या करें, एक
डिस्कशन को हम थोड़ा सा चेंज करते हैं ताकि एनर्जी रहे। कमेंट्स भी मैं चेक कर लेता हूँ इस वक्त। किसी को आवाज़ नहीं आ रही शायद। साउंड का इश्यू अगर है तो वो आपके पास होगा। इस तरफ से साउंड आई थिंक क्लियर है क्योंकि ज़्यादातर लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है आवाज़ में। मैं यहाँ पे क्वेश्चंस ले लेता हूँ। ये दो लोगों ने हाथ उठाए हुए। मैं आपको अनम्यूट नहीं कर पा रहा क्योंकि आपने अपने आप को भी म्यूट किया हुआ है, तो मैं क्वेश्चन भी नहीं ले पाऊंगा फिर। हाँ सद्दाम, सद्दाम क्या हाल है? ठीक क्वेश्चन है। जी सर, आपने इधर ये फाइल में डिफरेंट कौन सी है, पहले या दूसरे में? व्हाट इज डिफरेंट ऑफ वन फाइल एंड टू सेकंड फाइल? सर नहीं, मैं क्वेश्चन नहीं समझा। समझाया, डिफरेंट डिफरेंट समझ नहीं आ रहा है इधर। जो आपने दो फाइल समझाया, पहले और हाँ दूसरे में, इसमें हाँ डिफरेंट समझ नहीं आ रहा, डिफरेंट फाइल के अंदर समझाया। डिफरेंस समझ नहीं आ रहा। जी जी सर, मैंने ये अभी आपको शो किया ना, देखें ये डिफरेंस कमांड है। इसके जी अंदर जी हम दो फाइल्स के नाम बताते हैं। तो फाइल थ्री है, जैसे फाइल थ्री एंड फाइल फोर। आपको ये वाला समझ नहीं आ रहा यस या ये वाला समझ नहीं आ रहा? कहाँ पर इश्यू हो रहा है आपको? सर, इसमें थ्री और ये फोर समझ में नहीं आ रहा आपको? जी सर। देखें दिस इज नथिंग। इसके अंदर आपके पास दो फाइल्स हैं, फाइल थ्री और फाइल फोर। फाइल थ्री का जो जी कंटेंट है ये वो हमने लेफ्ट साइड पे शो किया हुआ है, और जी फाइल सर, फोर का जो कंटेंट है वो राइट साइड पे शो किया हुआ है। और लाइन बाय जी लाइन दोनों को कंपेयर करते हैं। जहां जी पर फर्क है वहां पर ये इंडिकेट करता है कि इधर कोई डिफरेंस है। ये इस कैरेक्टर से आपको पता लग जाता है कि देर इज अ डिफरेंस दोनों फाइल्स के अंदर। बस जी तो आपको पता लग गया ना कि यहाँ पर इस फाइल, इस लाइन में और इस लाइन में फर्क है। अब आपको विजुअली भी नजर आ रहा है कि हाँ यार यहाँ जी पे अब ये लोअर नजर केस है और ये बड़ा कैपिटल केस है। ये समझ गया ठीक है। सर। ठीक है सर, जी अहमद। AI की जो कमांड से सर, ये आप एक दोबारा बता दें, इसमें कंफ्यूजन कौन सी कमांड? है सर। आप इंटर तो इंसर्ट तो हो जाते हैं, इंटर भी हो जाते हैं, इंसर्ट भी, एग्जिट कैसे करते हैं आप सेव किस करके? कहाँ से? हाँ सर VI कमांड यूज करते हैं ना, VI, उसके बाद फाइल का नेम लिखते हैं उसको इंसर्ट करने के लिए, एडिट हाँ करने के लिए। हाँ सर उसमें से एग्जिट कैसे करते हैं? VI की कमांड में जब हम जाते हैं ना फाइल, जैसे फाइल थ्री में आ गया मैं, तो इस वक्त हम लोग रीड ओनली मोड पर हैं। मुझे अगर एडिट करना है तो मैं आई से इंसर्ट मोड पर आ जाऊंगा। ये देखें इंसर्ट लिखा हुआ आ जाता है, इसमें मैं चेंजेस कर सकता हूँ। ठीक है। फिर मुझे अगर इंसर्ट मोड से बाहर आना है तो मैं या तो एस्केप की यूज़ कर सकता हूँ या कंट्रोल सी। ठीक है, तो देखें इंसर्ट मोड खत्म हो गया। अब मैं यहाँ से अगर एग्जिट करना चाहूँगा तो आई डू कोलन एक्स, तो ये सेव कर देगा। अगर मुझे सेव नहीं करना तो आई डू कोलन क्यू एंड एक्सक्लेमेशन, तो ये अबोर्ट कर देगा, सेव नहीं करेगा। ठीक है, तो आई जस्ट और इसको एंटर करते हैं तो यू आर आउट ऑफ देयर। ठीक है। ये दो क्वेश्चंस आ रहे हैं तो ये भी चेक कर लेते हैं फिर आगे चलते हैं। अस्सलाम सर। जी वालेकुम सलाम। हैदर सर मुझे ये पूछना कि हम फाइल में एंटर कैसे होते हैं?
एडिट और एडिट सेव, एडिट सेव और इंसर्ट का तो अभी आपने बता दिया, सिर्फ मुझे एंटर होने का मसला हो रहा है। आपने ये बताना होता है कि कौन से एडिटर से आपने यूज करना है, तो हम लोग अभी वीआई यूज करते हैं जो हमारा एडिटर है, ठीक है? ठीक है सर। और फाइल का नाम जिसमें आपने एडिट करना है और एंटर, दैट्स इट। ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू सर। यू वेलकम। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड फिर इसको क्लियर करते हैं। अच्छा, आगे चलते हैं। हमारी नेक्स्ट कमांड है कट। कट से क्या होगा? कट कमांड, एग्जांपल निकालते हैं। यस, ये एग्जांपल अच्छा है। अच्छा, फर्ज करें कि हमारे पास कुछ डेटा है इन टर्म्स ऑफ, जैसे डेटाबेस होता है ना, उसके अंदर हमारे पास डेटा स्टोर हुआ होता है। अच्छा, जिसको कि डेटाबेस का भी नहीं पता, एक्सेल स्प्रेडशीट तो सबको पता होती है। एक्सेल स्प्रेडशीट में क्या होता है, हमारे पास डेटा शो होता है इस तरह से। मैं कोई एक स्प्रेडशीट खोल लेता हूँ, गूगल डॉक्स में चले जाता हूँ। ये तो आप लोगों के रिस्पॉन्सेज आ गए, गलत आ गया। गूगल ड्राइव में जाता हूँ। यहाँ पर एक कोई शीट खोलता हूँ, ठीक है? तो इस तरह से हमारे पास एक ये स्प्रेडशीट आ जाती है, ठीक है? जो स्प्रेडशीट के अंदर क्या है, दिस इज बेसिकली अ सिंपल डेटाबेस, ठीक है? इट्स नॉट लाइक अ कॉम्प्लेक्स डेटाबेस सॉफ्टवेयर नहीं है कोई, दिस इज लाइक अ स्प्रेडशीट। इसके अंदर हम लेकिन डेटाबेस पूरा क्रिएट भी कर सकते हैं। अच्छा, व्हेन आई से डेटाबेस, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कोई रिलेशनल डेटाबेस टाइप की चीज की, जिसके अंदर हम डेटा को रोज एंड कॉलम्स के अंदर सेव करते हैं। अच्छा, तो वी कैन मेक सम सैम्पल डेटा हियर। तो लेट सपोज कि हम यहाँ पर स्टूडेंट्स की लिस्ट बनाते हैं, ठीक है? तो वील हैव सम नेम, वील हैव सम एज, वील हैव सम ईमेल, मे बी वील हैव अ फोन नंबर, ठीक है? एंड वील हैव अ सिटी। अच्छा, तो यहाँ पर वी कैन क्रिएट सम सैम्पल डेटा, ठीक है? अच्छा, सैम्पल डेटा क्रिएट करने के लिए हम कुछ ऐसा करते हैं। मैं आता हूँ यहाँ पर अपने पास, सैम्पल डेटा मेरे पास पड़ा है। ये अच्छा डेटा है, मैं यहाँ से नेम ले लेता हूँ। यहाँ से मैं नेम्स कॉपी कर लेता हूँ। क्या हुआ? तो मेरे पास नेम्स आ गए, कॉपी हो गए। क्या हो गया, हैंग हो रहा है ये? रिफ्रेश कर देता हूँ।
लेट्स ट्राई अगेन. असल में डेटा ज़्यादा है शायद इसमें, डेटा ज़्यादा है, 16-17,000 नाम है. अच्छा ये देखें, यहाँ पर मैंने ये 16,000 नेम्स कुछ ऐड कर दिया इसमें. अच्छा अब कुछ एज, इतना बड़ा है, अब इसकी कोई एज भी मैं ऐड कर देता हूँ. एज में आई जस्ट ऐड सम लाइक रैंडम एज, तो मुझे पता भी नहीं है. ठीक है मैं काम करता हूँ ना, यहाँ पर मैं आता हूँ रिजल्ट्स. मेरे पास मुझे तो ये डेटा ले लेना चाहिए ना. मैं काम करता हूँ, मैं ये वाला डेटा यूज कर लेता हूँ. तो एक्चुअली मैं ये जो इतना डेटा है ना, मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ. इसको मैं एज अ कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज डाउनलोड कर लेता हूँ. तो हुआ क्या है, दिस इज बेसिकली मैंने एक जमाने में एक रैंकिंग क्रिएट की थी ऑफ ऑल ऑफ आवर स्टूडेंट्स जिन्होंने एग्जाम्स दिए हुए हमारे. तो दिस इज़ वर्थ 13,000 नंबर्स. अच्छा इसके अंदर जो मुख्तलिफ एग्जाम्स हैं डिफरेंट ऑन डिफरेंट सब्जेक्ट्स वो सब हैं. तो बेस्ड ऑन देयर एरिया ऑफ स्टडी उनके एग्जाम्स के स्कोर्स हैं. अच्छा और उनको मैंने फिर रैंक किया हुआ है. ठीक है ना, तो देर इज़ लाइक अ लॉट ऑफ देम. मैं हूँ उसके अंदर. एनीवे अच्छा तो मैंने क्या किया हुआ, मैंने डाउनलोड्स के अंदर अब एक ये फाइल डाउनलोड कर लिया जिसके अंदर ये डेटा आ गया. ठीक है अच्छा अब अगर मैं इसको रिव्यू करना चाहूँ, मैं इसका नाम को थोड़ा सा नाम थोड़ा सा कंडेंस कर लेता हूँ. इसको मैं सिर्फ सैंपल डेटा कर लेता हूँ, सैंपल डेटा डॉट सी एस वी. ठीक है अच्छा अब ये मेरे डाउनलोड फोल्डर में है. तो इफ आई गो बैक यहाँ पर मेरे पास ये फाइल है सैंपल डेटा. तो अगर मैं इसको रीड करूँ कैट सैंपल सैंपल डेटा डॉट सी एस वी, तो आप ये देखें क्या हुआ क्या है. ये जितना डेटा था तो ये इस तरह से शो हो रहा है. अच्छा तो यहाँ पर दिस इज अ बैड थिंग फॉर मी राइट. अब देखें मसला हो गया ये मेरे लिए, इसको रीड करने में भी मेरे लिए प्रॉब्लम हो गई है क्योंकि इतना सारा डेटा आ गया और कुछ सेंस नहीं बन पाएगा. तो मैं क्या कर सकता हूँ, सबसे पहले अगर क्योंकि अगर कैट कमांड रन करते हैं ना तो क्या होता है कि मुझे पूरा डॉक्यूमेंट एक ही स्क्रीन पर एक साथ शो हो जाता है. यहाँ पर मेरे पास एक और ऑप्शन है, आई कैन यूज द मोर कमांड. मोर कमांड में क्या होता है, और लेस कमांड भी होती है. जो मेरे पास लेस कमांड है इसके अंदर देखें मेरे पास पेजेस भी बन जाते हैं. सो आई कैन यूज द पेज अप एंड पेज डाउन बटन्स टू नेविगेट द पेजेस. ठीक है तो इट मेक्स इट इजियर टू व्यू. तो ये दो मेरे पास और व्यू करने के लिए भी ऑप्शंस हैं.
अच्छा, अब बैक टू आवर एग्जांपल, मैंने इसको सीएसवी में भी डाउनलोड किया था और मैं इसको एक टीएसवी में भी डाउनलोड करता हूँ. हियर टैब सेपरेटेड वैल्यूज. टैब सेपरेटेड वैल्यूज में क्या होगा कि जो डेटा आएगा उसमें कॉमर्स नहीं होंगे, उसमें टैब्स होंगे, तो वो एक कॉलम और रोज टाइप का मुझे नजर आएगा. Let me try again. ये सी एस वी है, ठीक है, कॉमा सेपरेटेड है. और एक और मैंने अभी डाउनलोड किया है इसको, सैंपल डेटा डॉट टी एस वी. इसके अंदर अब देखें ये टैब्स आ गए, ठीक है, तो इट्स अ लिटिल बिट मोर रीडेबल. ठीक है, तो इस तरह से मेरे पास सारा डेटा आ गया. अच्छा, नाउ अब मैं क्या कर सकता हूँ कि मेरे पास वो ये जो सारा डेटा है इसके अंदर से मुझे अगर सेलेक्टिवली कुछ निकालना है, जैसे फॉर एग्जांपल सिर्फ नेम्स चाहिए मुझे, तो मैं कट कमांड यूज कर सकता हूँ. कट कमांड से मैं सेलेक्टिवली कंटेंट रिट्रीव कर सकता हूँ. तो जैसे इनके पास ही टेक्स्ट की डॉक्यूमेंट है, इसमें से ये कोई एक फील्ड जो है वो शो करना चाह रहे हैं, तो वो कैसे होगा? यू कैन कट, कट इसकी कमांड होती है, फिर आप फाइल का नाम बताएंगे. माइनस एफ ऑप्शन है जिससे आप फील्ड स्पेसिफाई करते हैं कि आप फील्ड को सेलेक्ट करना चाह रहे हैं, और फिर कॉलम का नंबर जो भी है, और वो आप मल्टीपल कॉलम्स भी सेलेक्ट कर सकते हैं. तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास जो डॉक्यूमेंट था सैम्पल डेटा डॉट टी एस वी, इसके अंदर हमारा जो सेकेंड कॉलम है उसके अंदर नेम्स है, ठीक है. तो इफ वी कैन डू द कट कमांड, ठीक है, और फिर हम सैंपल डेटा के ऊपर, सैंपल डेटा के ऊपर डॉट टी एस वी के ऊपर कट कमांड चलाते हैं, एंड वी यूज द फील्ड ऑप्शन, सो माइनस एफ. फील्ड ऑप्शन में अब हम बता सकते हैं कि हमें कौन सा कॉलम चाहिए. तो हमने देखा था सेकेंड कॉलम में नेम्स हैं, तो सिर्फ हम टू रन करेंगे अगर. Oops, what happened? मुझे पहले क्या हो गया, सिंटैक्स एरर आ रहा है. तो कट माइनस एफ. अब मुझे बताना है डिलिमिटर, एक सेकंड, डिलिमिटर कौन सा, इसमें मैनुअल चेक करते हैं जल्दी से. मैनुअल कट, इसका जो हमारे पास सिंटैक्स है डी, उसकी तो जरूरत ही नहीं है हमें. तो ओके, कट कट माइनस एफ सैंपल डेटा. अच्छा, तो मेरे पास नाम आ गए सारे, सिर्फ फाइल में से नाम आ गए, पूरे फाइल में से. यहां से शुरू हो रही है ये कमांड, तो देख रहे हैं. तो मैंने क्या रन किया, अब देख रहे हैं डेटा ज्यादा हो रहा है तो मेरा टर्मिनल मसले कर रहा है. एनीवे, हमने क्या किया, वी यूज द कट कमांड, हमने फील्ड पे कट किया, वी पुल द सेकेंड कॉलम फ्रॉम दिस फाइल सैंपल डेटा डॉट टी एस वी. तो क्या हुआ कि सेकेंड कॉलम में सारे नेम्स हैं, तो उस सारे डेटा के अंदर से मुझे सिर्फ नेम, मुझे सिर्फ नेम मिल गया. अच्छा, लेट सपोज कि हमारी रिक्वायरमेंट यह है कि वी डोंट जस्ट वांट द नेम, हमें नेम भी चाहिए और रैंक भी चाहिए, ठीक है. तो फिर हम क्या कर सकते हैं, वी रन द सेम कमांड सिर्फ, लेकिन वी रन 2, 3. इससे क्या होगा कि हमें सेकेंड कॉलम भी रिट्रीव हो रहा है और थर्ड कॉलम भी, तो क्या होगा, हमें नेम भी मिल जाएगा और उसका रैंक भी.
ठीक है, तो नेम भी है और रैंक भी है। तो इस तरह से हम लोग कट कमांड यूज कर सकते हैं और फाइल्स के अंदर से डेटा सेलेक्टिवली क्वेरी कर सकते हैं। ठीक है, तो नॉर्मली जो हमारे पास डेटाबेसेस होते हैं उनका जो डेटा होता है वो हम डाउनलोड अगर करते हैं डेटाबेसेस के अंदर से, तो वो या तो कॉमा सेपरेटेड फाइल्स होती हैं या वो टैब सेपरेटेड फाइल्स होती हैं। तो आई प्रेफर के वो मुझे टैब सेपरेशन में थोड़ा सा रीडेबिलिटी आसान लगती है, तो दिस इज व्हाई आई यूज द टैब सेपरेटेड। लेकिन आप कॉमा सेपरेशन से भी यही काम कर सकते हैं। तो दिस इज हाउ वी यूज द कट कमांड। फिर हम क्या कर सकते हैं, हम किसी फाइल के अंदर से टेक्स्ट भी सर्च कर सकते हैं। अच्छा, तो अगर हमें किसी फाइल में से टेक्स्ट सर्च करना है तो हम उसके लिए ग्रेप कमांड यूज करते हैं, द ग्रेप कमांड। ग्रेप कमांड में क्या होता है कि हमारी जो हमारे जो टेक्स्ट है उसके जो फाइल है उसके अंदर से हम सर्च कर सकते हैं। तो ग्रेप कैसे रन करते हैं, वी यूज द ग्रेप वर्ड, फिर हम वर्ड के ऊपर क्वेरी कर रहे हैं तो माइनस डब्ल्यू, फिर हम कोटेशंस के अंदर जो वर्ड हम सर्च कर रहे हैं वो हम ऐड करेंगे कि सर्च क्या करना है और फिर फाइल का नाम। तो यहाँ पर इफ यू डू द ग्रैप कमांड, ठीक है, वी लुक फॉर अ वर्ड, मैं अपना नाम सर्च करूँगा अगर, ठीक है, और इन द फाइल, तो ये है सैम्पल डेटा डॉट जेएसपी। तो इसमें क्या होगा कि जो पूरी फाइल है उसके अंदर से मेरा जो डेटा है ना वो आ जाएगा, जिस लाइन पे मेरा डेटा है उसका सारा मेरे, अब ये सारे मेरे स्कोर्स आ गए। ठीक है, तो इसी तरह से हम पूरी फाइल के अंदर से नाम को सर्च करके मंगा सकते हैं। तो इसी तरह से ये मेरा नाम आ गया, फिर मेरा दोस्त है जीशान, मैं जीशान का नाम सर्च कर सकता हूँ, जीशान हनीफ, तो जीशान का डेटा आ जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरह से वी कैन सी डिफरेंट यूजर्स डेटा इसमें फाइंड कर सकते हैं किसी भी फाइल के अंदर। अब हमारे पास एक और भी ये कमांड है, दिस इज कॉल्ड द स्ट्रीम एडिटर कमांड। स्ट्रीम एडिटर कमांड से क्या होता है कि हम किसी भी फाइल के अंदर कोई टेक्स्ट है तो उसको टेक्स्ट को सर्च करके उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। अच्छा, एक तो हमने किया था जो डी डी कमांड से ट्रांसफॉर्म किया था वो हमने सारे टेक्स्ट को किया था, यहाँ पर हम सेलेक्ट करके सेलेक्टिवली चेंजेस अप्लाई कर सकते हैं। किस तरह से कि हम जैसे अगर हमें ग्लोबल रिप्लेस करना है, फाइंड एंड रिप्लेस करना है, तो हम सेट कमांड से कर सकते हैं। कैसे होगा, वी यूज द सेट कमांड और उसके अंदर एक हमारे पास ये इस तरह से वी हैव अ एक्सप्रेशन कहते हैं इसको, जो हमारा ऑपरेशन है फाइंड एंड रिप्लेस का उसके लिए। तो पहले हम सर्च करते हैं, तो वी सर्च फॉर समथिंग, ठीक है, तो वी यूज द एस कैरेक्टर हियर, फिर ये फॉरवर्ड स्लैश आता है, इससे हम सेपरेशन कर रहे हैं बिटवीन द कमांड जो हम ऑपरेशन कर रहे हैं और जो वर्ड है। इसके बाद फिर हम वर्ड सर्च करते हैं कि हमें फाइंड क्या करना है। तो यहाँ पे जैसे इस एग्जांपल में वी वर फाइंडिंग द वर्ड कैरेट्स, फिर स्लैश आएगा, ये जो फाइंडिंग वाला जो एक्सप्रेशन है ये यही है कैरेट्स, स्लैश के बाद जो टेक्स्ट है कि उसको रिप्लेस किससे करना है। ठीक है, तो यहाँ पर इस कमांड में हम रिप्लेस करना चाह रहे हैं कैरेट्स को मैंगोज से। ठीक है, तो कैरेट स्लैश मैंगोज, अच्छा, फिर फाइनली स्लैश जी से ग्लोबल अपडेट होता है। ठीक है, तो आपके पूरे डॉक्यूमेंट में जहां जहां कैरेट्स होगा वो सब चेंज हो जाएगा टू मैंगोस। अच्छा, और फिर फाइल का नाम कि ये कौन सी फाइल है जहां पर आपने ये अपडेट कर दी है। ठीक है, तो लेट्स सी,
सेड, फिर हमें अपना एक्सप्रेशन बताना है. तो फर्स्ट वी स्टार्ट विद सिंगल कोट में, ये पूरा जो एक्सप्रेशन है ये सिंगल कोट्स में आएगा. तो सिंगल कोट्स, ओप्स क्या हुआ, सॉरी मेरे से गलती से बैक बटन प्रेस हो गया. तो सेट कमांड में ये हमारे सिंगल कोट्स आ गए. इसके अंदर फिर वी सर्च, सर्च क्या करना है, लेट्स सर्च फॉर अतुल, रिप्लेस इट विद, इसको हम क्या रिप्लेस करें, बल्कि विल सर्च फॉर अल्ताफ एंड वी रिप्लेस इट विद खान एंड वी डू अ ग्लोबल चेंज. ठीक है, नाउ हमें ये भी बताना है कि ये चेंज करना कहाँ पर है, कौन सी फाइल में. तो हम लोग सैम्पल डेटा की फाइल यूज कर रहे थे. तो इसने कुछ काम किया है. अब मसला ये कि इतना बड़ा डॉक्यूमेंट है, अब इसमें सर्च कौन करे. लेकिन हमने पहले से एक कमांड सीखी हुई थी जिसके अंदर हम ग्रैब कर सकते थे, राइट. तो नाउ लेट्स सर्च अगेन. मेरा नाम जो है आदिल अल्ताफ से आदिल खान हो जाना चाहिए था, और हमें यहाँ पे फाइल का नाम बताना है, सैंपल डेटा. अच्छा, तो दिस इज नॉट राइट, ये कोई और है. ठीक है, दिस इज नॉट मी. अच्छा, तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ हुआ क्या. हुआ ये कि मैंने स्ट्रीम एडिटर कमांड चलाई, ये वाली कमांड मैंने चलाई. इससे होना क्या चाहिए था कि जहाँ जहाँ वर्ड अल्ताफ है वहाँ उसको खान में कन्वर्ट हो जाना चाहिए था, और इस फाइल का. लेकिन इससे होता क्या है कि ये जितने भी इसके ऑपरेशंस होते हैं ये मेमोरी में होते हैं, ये कुछ भी फाइल पे सेव नहीं हो रहा होता. अच्छा, तो अगर मुझे कुछ जो भी चेंज किया है उसको राइट भी करना है, कमिट भी करना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, आई क्रिएट अ न्यू फाइल. ठीक है, तो अपडेटेड सैम्पल डेटा. तो ये आउटपुट से मैं क्या कह रहा हूँ कि ये इसका जो भी इसका आउटपुट आएगा उसको यहाँ इस फाइल के अंदर सेव कर. तो इसको भी मैं TS लिख रहा हूँ. ठीक है, अब मैंने रन कर दिया. तो ये जो भी चेंज था, दिस शुड बी डन नाउ, और ये एक्चुअली में अब सेव हो जाना चाहिए इस फाइल के अंदर. तो मैं अब जब ग्रैब करूँगा अपने नाम को विद द चेंज, मैं इसको अब अपडेटेड सैम्पल डेटा के अंदर सर्च करूँगा. तो देखें, अब मेरा नाम अपडेट हो गया. ये मेरा डेटा था जो पहले आदिल अल्ताफ लिखा हुआ था, नाउ द नेम हैज बीन अपडेटेड. ठीक है, तो इस तरह से हम एक ग्लोबली फाइंड एंड रिप्लेस कर सकते हैं. कैसे चल रहा है, समझ आ रहा है, या इज इट गोइंग ओवर द टॉप, बहुत ज्यादा हो रहा है. गुड, तो कंटिन्यू करना है या थक गए. अच्छा, यार मैं तो नहीं टायर्ड होता, मैंने तो सुबह भी क्लास पढ़ाई थी, रात में भी क्लास पढ़ानी है, वो तो खैर है, बीच में सारे काम भी हैं अपने. अच्छा, तो हम थोड़ा सा प्लान कर लेते हैं ना. अच्छा, मैं समझ गया, कंप्रेशन से पहले पहले तक कर लेते हैं. तो हमारे पास ये तीन कमांड्स रह गए हैं, स्प्लिट, सॉर्ट एंड यूनिक करते हैं एंड देन विल स्टॉप. ठीक है, तो ये तीन कमांड्स और कर लेते हैं.
अब मैं क्या चाह रहा हूँ, मैं एक काम करता हूँ, डाउनलोड फोल्डर में ना ये जो मैंने अभी अपडेटेड सैंपल डेटा जो लेकर आया हूँ, मैं एक काम करता हूँ, मैं एक न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ, इसको मूव कर देता हूँ अंदर। ये जो सारा था ना, ये मैंने क्यों किया ये मैं अभी आपको समझ आएगा। तो लेट्स चेंज डायरेक्टरी टू, क्या नाम रखा है मैंने इसका, अब हमारे पास ये वाला जो डेटा है अपडेटेड सैंपल डेटा, इसको यूज करते हैं। मैं टर्मिनल को रिस्टार्ट करता हूँ क्योंकि ये बहुत हैवी हो रहा है। स्टार्ट अ न्यू टर्मिनल। अच्छा ओके, मैं दोबारा से नेविगेट करता हूँ टू डाउनलोड्स एंड टू सैंपल डेटा। यहाँ पर मेरा डेटा आ गया। ओके, अब मैं क्या चाह रहा हूँ कि ये जो फाइल है ना, ये बहुत ज़्यादा बड़ी है मेरे लिए, मैं इस पर कुछ काम नहीं कर पा रहा हूँ, तो मुझे इसको स्प्लिट करना है इनटू मल्टीपल फाइल्स। तो इसके लिए मेरे पास एक और कमांड है, द स्प्लिट कमांड। ये क्या करती है कि ये एक फाइल को मल्टीपल पीसेज में स्प्लिट कर देती है। तो हम इसको रन कर सकते हैं और हम किसी भी फाइल को बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ लाइन्स उसको स्प्लिट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो सैंपल डेटा की जो फाइल है ये वाली, पहले हम देखते हैं कि इसके अंदर लाइंस कितनी है। तो वर्ड काउंट लेते हैं और अपडेटेड सैंपल डेटा, तो इसके अंदर 13,111 लाइंस हैं। ठीक है, तो वर्ड काउंट का मान देखें हमारे काम आ गई। अच्छा, अब हम इसको अगर ब्रेक करना चाहें तो लेट सपोज कि हम इसकी फाइल्स को 13,000 से कम करना चाहें और हम चाहें कि यार एक फाइल में ना 1,000 से ज़्यादा डेटा नहीं होना चाहिए, 1,000 लाइन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं कि हम स्प्लिट कर सकते हैं ऑन द नंबर ऑफ लाइंस, तो माइनस एल और फिर कितनी लाइंस, तो हम 1,000 लाइंस बताएंगे और फिर फाइल का नाम कि कौन सी फाइल को हमने ब्रेक करना है। ये वाला मैं आगे बताता हूँ कि इसका क्या है। तो स्प्लिट कमांड, ठीक है, फिर वी स्प्लिटिंग ऑन लाइंस, तो माइनस एल और 1,000 लाइंस पे हमें ब्रेक करना है। 1,000 लाइंस हमारी, 1,000 लाइन पे बस हो जाती है। ठीक है, अच्छा 1,000 हो गया और फिर फाइल का नाम, तो वी आर यूजिंग द अपडेटेड सैंपल डेटा। अच्छा, तो अगर मैं इसको मैं चलाता हूँ अगर, तो क्या होगा कि द कमांड इज डन। अब मैं अगर अपनी लिस्ट करता हूँ डायरेक्टरी में, तो देखें क्या हुआ है कि ये तो हमारी तीन पहले से थी। नाउ आई हैव एक्स ए ए ऑल द वे, एक्स ए बी सी डी ई एफ ऑल द वे टू एक्स ए एन। अच्छा, हुआ क्या है कि आई हैड 13,111 लाइंस। तो अगर मैं इसको ब्रेक करता बाय 1,000 लाइंस पर डॉक्यूमेंट और इसको मैं मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स में ब्रेक कर दूं, तो कितने डॉक्यूमेंट्स क्रिएट होने चाहिए थे? तो 14 फाइल्स हमारे पास आ जानी चाहिए थी। तो हियर वी शुड सी वी हैव 14 फाइल्स, सी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। और जो 14th फाइल है उसके अंदर कितनी लाइंस होनी चाहिए थी अगर हमारे पास 13,111 है? वी शुड हैव 111 लाइंस इन दिस फाइल। ये हम चेक कर सकते हैं, वर्ड काउंट एक्स एन 111, बाकी जितनी भी हैं उन सब में 1000 फाइल 1000 लाइंस होंगी। तो वी कैन सी वर्ड काउंट एक्स ए ए 1000, वर्ड काउंट एक्स ए सी 1000, सी वर्ड काउंट एक्स ए एम में भी 1000 लाइंस होंगी। तो ऑल ऑफ दीज हैव 1000 लाइंस ईच और एक्स ए एन में जो रिमाइंडर अमाउंट था वो आ गया 111। ठीक है, तो अगर अब मैं किसी भी एक फाइल को अगर ओपन करता हूँ, आई कैन कैट एक्स ए ए,
तो मेरे पास उसकी जो 1000 लाइंस हैं वो आ रही होंगी इन दिस फाइल, वो पूरा जो बड़ा डॉक्यूमेंट था वो नहीं खुलेगा, समझ रहे? अब एक और चीज, मैं इन सबको डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है? अच्छा, बैक टू स्क्वायर वन। अब मैं क्या चाह रहा हूँ कि जो एक्स कैरेक्टर आ रहा था ना, मैं चाह रहा हूँ कि उसमें कोई कस्टम नेम भी तो हो ना, तो दिस इज व्हाट न्यू मेंट। अब हम दोबारा से स्प्लिट करें अगेन लाइंस के ऊपर, अब 1000 नहीं, अब हम 100 लाइंस पे स्प्लिट करें, ठीक है? और हम फाइल नेम बताएंगे, और यहाँ पर हम बताएंगे कि जो जो न्यू फाइल क्रिएट होंगी, जो स्प्लिट फाइल्स होंगी, उसके अंदर x की जगह हम कोई और अपना नाम प्रीफिक्स देना चाह रहे हैं, तो लेट्स मेक इट सैंपल डेटा, ठीक है? अब मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा, तो ये हो गया, लेट्स सी। अब बहुत सारी फाइल्स क्रिएट हो जानी चाहिए, तो अगर हमने ब्रेक किया है फॉर बेस्ड ऑन 100 लाइंस और हमारे पास 13,111 लाइंस थी, तो हाउ मेनी फाइल्स शुड वी हैव? फाइल्स, राइट? Because 13,111 divided by 100, so we should have 131 plus 132 bhi hogi because we'll have the extra remainder file. Theek hai? So now we have 132 files. Achha, ab names ke andar dekhe aap, we have sample data prefix hai hamara, aur phir uske baad hamare letters hain. ठीक है, और इट स्टार्ट्स ऑल द वे फ्रॉम सैंपल डेटा ए ए ऑल द वे टू, ये पूरा अल्फाबेट खत्म होगा ए जी तक जाएगा, ठीक है? फिर ये बी ए से शुरू होगा, इट विल गो ऑल द वे टू बी जी, फिर सी ए से लेके जाएगा ऑल द वे, मतलब समझ रहे हैं ना, ऑल द वे टू एफ बी तक पहुंच गया ये। तो ये 132 फाइल्स क्रिएट हो गई हैं। मैं एक और चीज यहाँ पर, वर्ड काउंट की जो कमांड थी ls-1 पाइप wc-l, इस कमांड से देखें क्या होगा, ls-l पाइप wc-1, कुछ क्या किया मैंने, रिवर्स कर दिया, ls-1 एंड देन पाइप wc-l, इसने क्या, इस कमांड ने मुझे बताया कि हमारे पास ये जो फोल्डर है सैंपल डेटा, इसके अंदर 135 फाइल्स हैं टोटल। तो पहले हमारे पास तीन फाइल्स जो थी वो हमारी डेटा की थी, सैंपल डेटा टीएसवी सीएसवी और एक अपडेटेड सैंपल डेटा, तो तीन को माइनस कर दें तो वी हैव 132 फाइल्स इन दिस फोल्डर जो अभी न्यूली क्रिएट हुई, ठीक हो गया? और जो हमारी लास्ट फाइल होगी द एफ बी, इसके अंदर हमारे पास कितनी कितना डेटा होना चाहिए, सैंपल डेटा एफ बी, इसके अंदर कितना टेक्स्ट होना चाहिए, हाउ मेनी लाइंस? अगर हमारे पास 13,111 थी और हमने 100 लाइंस पे ब्रेक किया है, तो वी शुड हैव 11 लाइंस इन द लास्ट फाइल, ठीक है? तो इस तरह से वी कैन स्प्लिट बिग फाइल्स इनटू स्मॉल फाइल्स। अब हमारी जो फाइल्स है ना वो बहुत ही मैनेजेबल हो जाएंगी, देखें ना, वी कैन 100 लाइंस ऑफ डेटा को हम इजीली मैनेज भी कर सकते हैं। हो सकता है आपको ये टीम मेंबर्स को असाइन करनी हो, आपके पास अगर ये सेल्स डेटा है और हमारे पास 100 एम्प्लॉयज़ हैं, तो हम 100 एम्प्लॉयज़ को ये फाइल्स स्प्लिट कर देंगे कि आज आपका ये टारगेट है, आपने इन सबसे कांटेक्ट करना है, फॉर एग्जांपल, ठीक है? तो दिस इज़ आर
स्प्लिट कमांड जिससे हम फाइल्स को स्प्लिट करते हैं। होपफुली समझ आया। अच्छा नाउ नेक्स्ट सॉर्ट। सॉर्ट में क्या होता है कि हमारे पास फाइल के अंदर कुछ डेटा है, उसको अगर हम अब सॉर्ट करना चाह रहे हैं okay, तो ये कैसे होगा? पहले हम एक काम करते हैं कि लेट्स क्रिएट सम डेटा जिसको हम सॉर्ट कर भी सकें, क्योंकि अगर हम सैंपल डेटा ये लेते हैं तो इसको सॉर्ट करना मसला है। तो लेट्स यूज द कट कमांड और हम नेम्स पुल करते हैं सिर्फ फ्रॉम द राइट। इसको हम सॉर्ट भी कर सकेंगे ठीक है। तो ये हम लेते हैं और इसको हम एक आउटपुट में रखते हैं। इसको हम करते हैं सेलेक्टेड डेटा डॉट txt कर। अब हम हमारे पास ये फाइल आ गई है सेलेक्टेड डेटा डॉट txt। इसके अंदर सिर्फ नाम है, ये 100 नेम्स होंगे। अच्छा अब 100 नेम्स को हम सॉर्ट कर सकते हैं। अभी इस वक्त देखें कि ये रैंडम ऑर्डर के अंदर हैं, जो भी ऑर्डर जो हमारी इनिशियल डेटाबेस के अंदर थे ये उसी ऑर्डर के अंदर हैं, बट देर नॉट अल्फाबेटिकली सॉर्टेड। तो इसको हम सॉर्ट कर सकते हैं यूजिंग द सॉर्ट कमांड विच इज़ वेरी इजी। सिर्फ हमें सॉर्ट का कीवर्ड यूज करना है कमांड और फाइल का नाम। तो वी कैन डू दिस यूजिंग सॉर्ट और हमने ये सेलेक्टेड डेटा की फाइल बनाई। अब क्या हुआ है कि जितना भी डेटा है हमारे पास सेलेक्ट सॉर्ट कमांड से, तो क्या हुआ सबसे पहले हमारे पास ये सिंबल्स आ गए एंड देन वी स्टार्टेड विद ए ऑल द वे टू जी और यहाँ पर लास्ट में ये कुछ अरेबिक में भी किसी ने अपना नेम एंटर किया हुआ था। अच्छा तो इस तरह से हमारे पास ये सॉर्टिंग हो जाती है। अगर हमें रिवर्स ऑर्डर में सॉर्ट करना है तो वी डू सॉर्ट और हमारे पास ऑप्शन में वी हैव द रिवर्स सॉर्ट ऑप्शन और इसमें हम फाइल का नाम दे सकते हैं। तो क्या हुआ अब कि वी स्टार्टेड एट द टॉप विद द अरेबिक कैरेक्टर and then we went all the way from Z to A or for symbols. तो इस तरह से हमारे पास ये sorting का काम हो सकता है। अच्छा हाँ अब note करें कि जो हमने ये जो sorting की थी ये हमने जो run किया है actually directly file में update नहीं होता कुछ भी ठीक है। फाइल अभी भी उसी ऑर्डर के अंदर है, जब तक हम फाइल को ओवरराइट नहीं करेंगे जब तक कुछ नहीं होगा। अच्छा तो दिस इज द सॉर्ट ऑप्शन। अच्छा आज की हमारी लास्ट कमांड जो हमने देखनी है वो है यूनिक। यूनिक कमांड से क्या होता है कि जो भी हमारी डॉक्यूमेंट के अंदर डुप्लीकेटेड कंटेंट है डुप्लीकेटेड लाइंस हैं उनको हम सॉर्ट उनको हम रिमूव करना चाहेंगे ठीक है। इसके लिए आई विल जस्ट क्रिएट अ सिंपल फाइल इसके अंदर मैं अपना नाम तीन बार ऐड करता हूँ, फिर यहाँ पर हमाद हमाद का नाम दो बार लिखता हूँ, फिर यहाँ पर आप में से जो लोग क्वेश्चन का आंसर कर रहे थे अहमद फराज साकिब शमीम अंसर हुसैन सौरभ खान ठीक है। अच्छा यहाँ पर अगेन मैं आदर लिख देता हूँ और यहाँ पर अगेन मैं हमाद लिख देता हूँ। तो अब ये देखें इस डेटा के अंदर डुप्लीकेशन हुई भी है कुछ। मेरा नाम चार बार आ रहा है, हमाद का नाम तीन बार आ रहा है और बाकी चार स्टूडेंट्स के नाम मैंने यहाँ पर रैंडमली सेलेक्ट करके यहाँ पर ऐड कर दिया। इसको मैं सेव कर देता हूँ। तो ये मेरी एक डुप्लीकेट्स की फाइल आ गई, इसके अंदर डुप्लीकेटेड डेटा है। अब मैं चाह रहा हूँ कि इसके अंदर से मैं सिर्फ यूनिक डेटा मैं रिट्रीव करूँ। तो इसके लिए मैं यूनिक कमांड रन कर सकता हूँ और फाइल का नाम। तो दिस इज़ द ओनली सिंटैक्स, बहुत ईजी है। इसको मैं अब रन करूँगा। अब देखें क्या हुआ है।
आउटपुट में जो शुरू के जो तीन मेरे नाम आ रहे थे वो डुप्लीकेट्स खत्म होके एक बन गया, मेरा नाम एक बार आ रहा है। हमाद के जो दो डुप्लीकेट्स थे वो एक हो गया, फिर ये चार तो डुप्लीकेट थे ही नहीं तो ये चारों आ गए। अब मसला क्या हुआ है कि मेरा नाम यहाँ पर भी आ रहा है और हमाद का नाम भी आ रहा है। तो एक्चुअली में क्या हुआ है कि ये डुप्लीकेशन 100% कम्प्लीट नहीं हुई है। इसका रीज़न ये है कि जब ये प्रोसेस रन होता है तो ये करता क्या है कि ये लाइन वन से स्टार्ट करता है और लाइन टू से कंपेयर करता है और ये दोनों को चेक करता है क्या सेम है या डिफरेंट है। यहाँ पर सेम है तो ये इनमें से एक को इग्नोर कर देगा। तो लेट्स सपोज लाइन वन इग्नोर हो गई, फिर क्या होगा, फिर ये लाइन टू को और लाइन थ्री को कंपेयर करेगा। अब ये फिर से सेम है तो लाइन टू भी डिलीट कर दिया, लाइन थ्री को रख लिया। अब ये क्या करेगा, लाइन थ्री एंड लाइन फोर को चेक करेगा, हाँ अब ये डिफरेंट है तो ये दोनों को रख लेगा। ठीक है, तो इस वक्त हमारे पास आदल तो पक्का हो गया यहाँ पे। ठीक है, इधर आ गया। अब फिर क्या होगा, अब दोनों ये नाम आ रहे हैं हमाद के, ये दोनों कंपेयर होंगे और इसमें फिर हम हमाद के दोनों नाम को कंपेयर करके अब पता लग रहा है कि ये डुप्लीकेट हो रहा है। इसमें से ये रिमूव हो जाएगा और एक नाम रह जाएगा जो यहाँ आ गया। अब जो नेक्स्ट है, ये दोनों फर्क हैं तो ये नाम आ गया एंड सो ऑन। एंड में फिर क्या हुआ, जब इधर आए कंपेयर करने के लिए तो यहाँ पर भी सेम है, आदिल को इसने इस वाले आदिल से कंपेयर नहीं करना है। ठीक है, सिर्फ जो नेक्स्ट एडजेसेंट लाइंस है ना, एक के बाद एक जो रिपीटिंग कंसेक्यूटिव लाइंस हैं, सिर्फ उनको कंपेयर करता है। तो इसलिए हमें ये प्रॉब्लम मिली। ठीक है, अच्छा अब हम इसको अगर ब्रेक करना चाहें सिस्टम को तो हम इसको कैसे करेंगे, हम करेंगे पहले सॉर्ट। तो डुप्लीकेट्स को हम पहले सॉर्ट करेंगे, डुप्लीकेट्स फाइल को, ताकि अब जितने भी सेम लाइंस हैं वो एक साथ आ जाएंगी। ठीक है, मेरे जो चारों नाम थे वो एक साथ आ गए एक के बाद एक, फिर हमाद के भी तीनों एक साथ हो गए क्योंकि ये सॉर्ट हो गया ना, तो ये एक ही साथ कंसेक्यूटिवली आ जाएंगी लाइंस। अच्छा, तो नाउ हमें इसको एक फाइल में सेव कर देना चाहिए। अब हमारे पास सॉर्टेड जो फाइल है इसके अंदर डेटा सॉर्ट होके शो हो रहा है। अब हम इसको यूनिक कर सकते हैं, यूनिक सॉर्टेड डॉट टी एक्स टी चलाएंगे अगर, तो अब हमारा डेटा 100% यूनिक आ गया और इसको भी हम आउटपुट में सेव कर लें ताकि हम उसको यूज कर सकें। तो इस तरह से हमारे पास एक कंप्लीट क्लीन डेटा आ गया। तो दिस इज द यूनिक। तो यहां पर हम लोग एंड करते हैं, काफी सारी कमांड्स आज हमने कवर कर ली हैं लिनक्स पे। अब हमारे पास ज़्यादा नहीं बचा है, वी जस्ट हैव कंप्रेशन और स्क्रिप्ट्स, तो ये हम तेज़ी से कवर कर लेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट सैटरडे को वी शुड बी डन विद द लिनक्स कमांड लाइन, फिर हम इंशाल्लाह डॉकर पे आ जाएंगे। अब मैं क्वेश्चंस ले सकता हूँ।